Hello, good morning dear students and welcome to back this is square mentorship. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा यार बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि यार सर हम NCERT को कैसे पढ़ें, हमसे फोकस रहकर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या हम अपना जो स्टडी टाइम है जो कि दे रहे हैं उससे ज़्यादा गेन कर सकते हैं क्या, क्या सर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि 5 घंटे में कम से कम 5 घंटे का ही पढ़ लें, दैट मीन अगर हम 5 पेज पढ़ रहे हैं तो वो 5 पेज हमें याद रह जाए, 5 नहीं तो 4 पेज हमें याद रह जाए। मोस्टली बच्चों से लैंडमार्क सिटी के अंदर इन कोटा के अंदर मेरी बात हुई और उन्होंने यही बताया कि सर बायोलॉजी जो कि एक बहुत ज़्यादा याद रखने वाला सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको एक एक चीज़ याद रहनी ज़रूरी है वो हमसे नहीं हो पा रही है, वो हम याद नहीं रख पा रहे या हमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है या हमें याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ रहा है। सर हम क्या करें ऐसा कि हम इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं करें और अच्छे वे के अंदर पढ़ सके ताकि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री को भी हम टाइम दे सकें, उनको भी टाइम निकाल सकें। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे पास ये है यार, ये ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? पहली बात तो हम फोकस के साथ पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आज आपको पता है डिस्ट्रक्शन कितने आ चुके हैं। आज आपके पास में व्हाट्सएप है, आपके पास में यूट्यूब है, आपके पास में इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट एंड बहुत सारी आपके पास में इस तरह की सोशल साइट्स है जहाँ पर आपका फोकस घटाया जा रहा है, पहली बात तो। अब दूसरी बात होती है कि हम क्या करते हैं यार, हम हमारी क्लासेस को तो इवॉल्व करके चलते हैं, यानी कि आप 10th से 11th में गए आपने क्लास इवॉल्व करी, आप 11th से 12th के अंदर गए आपने आपकी क्लास इवॉल्व करी, आप 12th के बाद में हो सकता है नीट के अंदर एडमिशन ले लें, या बात करें तो आप 12th के साथ नीट का एग्जाम दें, यानी कि आप डॉक्टर एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने फिर से आपका क्लास और सिलेबस और एजुकेशन को क्या किया, इवॉल्व कर लिया। बट क्या आपने आपने आपके पढ़ने का तरीका इवॉल्व किया? मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसा उन्होंने 10th में पढ़ा वो वैसा ही पढ़ रहे होते हैं, उनका स्टडी मेथड वैसा ही होता है बिल्कुल पुराना, जैसा वो 11th में पढ़ रहे होते हैं वैसा ही वो बाद में पढ़ रहे होते हैं, जैसा 12th में पढ़ रहे होते हैं वैसा ही बाद में पढ़ रहे होते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है यार, वो है हमें हमारी क्लासेस के साथ में जैसे जैसे हम क्लासेस को इवॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे हमें अपने पढ़ने का तरीका इवॉल्व करना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स ये बहुत सिली मिस्टेक करते हैं और दिस इज नॉट अ स्मॉल मिस्टेक, यही आपके पास में आपका टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगी और यही आपको किस तरह से कम समय के अंदर ज़्यादा याद रख सके और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए याद रख सके वो आपको सिखाएगी। ये जो हैबिट मैं बताने वाला हूँ, ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, ये सिखाएगा आपको किस तरह से आपकी मेमोरी को आप डेवलप कर सकते हो, किस तरह से आपकी मेमोरी को आप ट्रेन कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रख सको वो भी कम समय के अंदर। तो पहला तरीका हम बात करते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स का करते अपनाते, सबसे मेन या सबसे फर्स्ट तरीका जो ईजी होता है बिल्कुल भी ईजी, वो क्या है कि यार वो आपके पास में NCERT उठा लेंगे इस तरह से और वो पढ़ेंगे, जैसे कोई भी चीज़ वो पढ़ रहे हैं तो इस तरह से वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि भैया जैसे कि अपन कोई भी टॉपिक निकाल लेते हैं, जैसे मैं आपको मॉडिफिकेशन ऑफ लीव पढ़ के सुनाता हूँ एक बार कैसे पढ़ेंगे वो, कि लीव्स आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी और इनटू स्पाइंस, इस तरह से वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे यार। अब देखो ये जो तरीका है सबसे सिंपल है लेकिन इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको एक दिन के बाद क्या आप इसको शाम को ही भूल जाओगे आपने सुबह क्या पढ़ा। और जब बात आती है यार मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में यानी कि नीट के बारे में जहां आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बनने वाले हो यार फ्यूचर डॉक्टर बनोगे आप, अब फ्यूचर डॉक्टर ऐसा थोड़ी बनेगा जो बाद में सुबह तो गोली लिख दी शाम को खुद ही भूल गया हो, उसका मेमोरी कैसा रहना चाहिए, शार्प रहना चाहिए। तो शार्प मेमोरी के लिए दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर स्टडी, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है आपके पढ़ने का। तो जो भी बच्चे ये चीज कर रहे हैं ऐसे पढ़ते हैं बायोलॉजी को या किसी भी अदर सब्जेक्ट को ऐसे रिवाइज कर रहे हैं तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर रिविजन, ये बढ़िया तरीका नहीं है, इससे आपको गेन कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको पता लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा था लेकिन क्या पढ़ा था वो आपको पता नहीं लगेगा यार। सेकेंड तरीका आता है राइटिंग का, सेकेंड मेथड कौन सा होता है राइटिंग का, जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर आपके पास हो सकता है इस तरह का कोई बुक हो रफ हो एंड आप उस पर कुछ चीजें लिखते हो,
जैसे आप लिख लिख के पढ़ रहे हो, जैसे हमने बात करी थी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में, अब आप क्या करते हो इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर आप मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ को लिख लिख के पढ़ रहे होते हो, आप उसका डेफिनेशन लिख रहे होते हो, आप उसका एग्जाम्पल लिख रहे होते हो। तो दिस इज अ गुड मेथड, ये अच्छा मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग भी आपके पास में ज्यादा नहीं लगता, ये अच्छा तरीका है। बहुत जब मैं स्टडी करता था या अभी भी करता हूँ, खैर, लेकिन जब हम 11th 12th क्लास के अंदर तो हम इस तरीके को पढ़ते थे, मोस्टली हम पढ़ते थे इस तरीके को। बट बात करें कि ये जो तरीका है, जो राइटिंग वाला तरीका है, जो लिख के पढ़ने वाला तरीका, ये भी इतना एफिशिएंट से नहीं से नहीं देगा आपको। यानी कि यहाँ पर भी आपको चांसेस रहेंगे कि आप थोड़े समय बाद उस चीज़ को भूल जाए, जब तक आप उसको दोबारा नहीं पढ़े, या जो टाइम पीरियड होगा भूलने का वो थोड़ा जल्दी होगा। तो ये सेकेंड तरीका था, ये एक अच्छा तरीका है, इसको आप रख सकते हो आपकी स्टडी के अंदर। ये बढ़िया तरीका है लिख लिख के पढ़ने का, जो भी टॉपिक है हमेशा उसको लिख लें, लिख लिख के याद करें, लिख लिख के पढ़ें कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ऐसा आप पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे थर्ड तरीके के बारे में, तीसरा मेथड, सबसे एडवांस तरीका एंड सबसे हाईली इवॉल्व मेथड फॉर स्टडी। तो थर्ड तरीका क्या है यार, जो मैंने अपने 11th क्लास में 12th क्लास के अंदर यूज किया, जब मैं बोर्ड्स का प्रिपेयर कर रहा था उस समय, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। इस तरीके को हम बोलते हैं व्हाइट बोर्ड मेथड। क्या बोलेंगे इसको? व्हाइट बोर्ड मेथड। यार इस तरीके में क्या करना है आपको, सिंपल सी चीज कि आपको रखना है आपके रूम के अंदर एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड, छोटा सा इन द सेंस हो सकता है आपके पास में वो ज्यादा बड़ा नहीं हो, आप कम से कम आप उसका 2 फीट आप मान सकते हो, 2 फीट उसका चौड़ाई हो और 3 से 3.5 फीट वो लंबा होना चाहिए, इतना अगर होता है तो ठीक है। अब आप क्या करो, जो भी आपके डाउट्स या जो भी आप इस टॉपिक स्टडी करने वाले हो, सपोज करो आप केल्विन साइकिल को पढ़ने वाले हो, सपोज करो आप फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को पढ़ने वाले हो, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी डायग्राम पढ़ने वाले हो, डायग्राम के थ्रू आप स्टडी करने वाले हो, आप सिंपल सी चीज करें, उस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे पढ़े, एक बार क्विकली थोड़ा सा देख ले कि क्या 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 है क्या नहीं है, उसके बाद आप जाए और व्हाइट बोर्ड पे उसको पढ़े। थोड़ी चीजें खुद के मन से लिखने का कोशिश करें, यानी कि बिना देखे, और जो चीजें नहीं आती उसको देख के लिखने का ट्राई करें और एक्सप्लेन करें खुद को कि वो चीज है क्या क्या नहीं है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड आपको टाक के रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं बिस्तर पे ले जाते हैं और वहीं पर पढ़ते रहते हैं, नहीं, वो तरीका नहीं करना है आपको। व्हाइट बोर्ड को सिंपल टाकना है और आपको खड़े रहना है और बढ़िया पढ़ाई करनी है शानदार तरीके से। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने 1 वीक भी ये किया, आप फर्क देख सकते हो कि यार पहले के और अब में क्या फर्क है, कितना आपको याद हो रहा है, कितना आपको याद रह रहा है और कितना रिजल्ट आपका आ रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। दैट मीन जहां आप पहले 1 पेज याद रख पा रहे थे, अब 3 से 4 पेज आप रख पाओगे। टाइम आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है इस मेथड के अंदर, इस पीरियड के अंदर, लेकिन ये जो तरीके से आप पढ़ोगे इसको याद आप बहुत ज्यादा टाइम तक रख सकते हो। दूसरी चीज, जब आप इसका रिवीजन करने आओगे, यानी कि आप इसको जब रिवाइज करोगे, आप देखोगे यार मैंने क्या क्या पढ़ा था, आप एनालिसिस करोगे खुद को, तो आपको याद भी बहुत जल्दी आएगा। दिस इज अ गुड मेथड। तो आपके बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम्स हैं उन सबको इससे पढ़ सकते हो, आप आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, जितने भी आपके पास में मैकेनिज्म्स हैं, सबको सॉल्व करो इस व्हाइट बोर्ड पे। तो आपके पास अगर व्हाइट बोर्ड नहीं है तो प्लीज आज जाओ, आज खरीदो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर योर स्टडी। मैं आपसे कह रहा हूं आपका पढ़ने का तरीका इतना ज्यादा शानदार हो जाएगा, इतना ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा, आप खुद में एक अलग से परिवर्तन महसूस करेंगे। यू फील समथिंग बेटर कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी यार कि हम हमारी क्लास इवॉल्व करते हैं बट हम हमारे पढ़ने का तरीका इवॉल्व नहीं करते। अब क्लासेस इवॉल्व हो रही है और पढ़ने का तरीका इवॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? यू आर नाउ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कंडीशंस चेंज हो रही है, तो हमें खुद को भी अपने आप के अंदर चेंज करना पड़ेगा, अडेप्टेशंस लाने पड़ेंगे, नहीं लाएंगे तो क्या होगा? वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस एनवायरमेंट। सर्वाइव कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आपकी क्लास इवॉल्व हो रही है आपको क्या करना है, आपको आपके पढ़ने का तरीका भी इवॉल्व करना है। आप व्हाइट बोर्ड लेके आए, उस पर पढ़ाई करें शानदार तरीके से, रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड है ये आपके पास में। यहां आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी 2 से 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी यार,
यकीन नहीं आता तो करके देखिए वन इन वीक। ऑलराइट, तो दिस इज अ गुड मेथड। ये तीसरा जो मेथड बताया मैंने आपको, व्हाइट बोर्ड मेथड, ये मैं खुद अप्लाई कर चुका हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा याद भी रहता है और बहुत तभी तो मैं पढ़ा पाता हूँ यार, याद नहीं रहता तो। और दिस इज अ गुड मेथड। एंड जब हम हमारे 12th क्लास के टाइम पीरियड की बात बताता हूँ मैं आपको, जब मैं और मेरा फ्रेंड जिसका नाम दिलराज है, हम साथ में स्टडी किया करते थे, तो हमारा पास यही तरीका था कि हम व्हाइट बोर्ड का यूज करते थे और दूसरा रिविजन के लिए एक दूसरे से पूछते भी थे। तो दिस इज अ गुड मेथड जहां पर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस को याद रख लिया था। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा ऐसा था कि आप कुछ भी बोले आप हमें बहुत जल्दी आंसर कर देंगे उस चीज का। आप बोलेंगे रायमंड टीमान रिएक्शन क्या होती है, मैं फटाक से बता दूंगा उस चीज को, ठीक है। तो आप ये तरीका यूज करें, आप पढ़े व्हाइट बोर्ड से, आपके पास नहीं है तो खरीद लो, क्योंकि दिस इज अ गुड मेथड, आपको यूज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एंड लैंडमार्क सिटी के अंदर यार, अगर आप चाहते हैं आप एक पर्सनल मेंटोर, इस तरह से चीजें जहां पर आप वीडियोस के थ्रू देखते हैं, अब आप चाहते हैं यार लैंडमार्क सिटी के अंदर बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स वगैरह है वो आपको एज ए मेंटर सिखा दे, या जो भी आपका एक्टिविटी है डेली का वो एक मेंटर आके प्रिपेयर कर दे और आपको चीजें सिखाए, कैसे कैसे क्या नहीं, कैसे चीजें करनी है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपका पढ़ने का तरीका इवॉल्व होगा, कौन कौन से एक्टिविटीज आपको करनी है। आप चाहते हैं एक पर्सनल मेंटर आपके साथ में रहे जो डेली आपसे मिले और आपको चीजें बताए, आपकी चीजों को एनालिसिस करे, कहां कहां आप में कमियां हैं, कहां कहां सुधार की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है बताए आपको, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं यार। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगा और स्क्रीन पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे, यहाँ आप फोन कर सकते हो पर्सनल मेंटर के लिए और जानकारी ले सकते हो और ज्यादा मेंटरशिप वगैरह के बारे में। एंड थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस तरीके को यूज जरूर करेंगे और आप देखेंगे कि समथिंग इज बेटर इन योर स्टडी, समथिंग बेटर इन योर लाइफ, कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हैं यार कि हाँ चीजें मुझे आने लग गई है, अब मैं एक एवरेज स्टूडेंट से एक एडवांस स्टूडेंट की तरफ, एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट की तरफ मूव कर रहा हूं। और देखिए इस तरीके से पढ़ेंगे यू विल अचीव योर गोल्स, आप जरूर डेफिनेटली डेफिनेटली यू अचीव योर गोल्स, आपका जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है वो आप जरूर अचीव करोगे। हमें इवॉल्व करना होगा अपने आप को, आपके पढ़ने के तरीके को। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी तरह का आपका पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे जीसी स्क्वायर मेंटरशिप की प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और यार अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको ये तीसरा तरीका पसंद आया या आप जानना, आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं और आप कब से करेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं यार आप कब से अप्लाई करना चाह रहे हैं इसको। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जो इसी तरह की प्रॉब्लम से परेशान है, आप उनको यार शेयर जरूर करें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया तो मैंने इस पे आपको सॉल्यूशन दिया, मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपका काम है। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करो और जो प्रेस जो पास वाला जो बेल आइकन का जो बटन है यार उसको भी प्रेस करके रखो, ताकि जब भी वीडियो डले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप क्या करें उस वीडियो का फायदा उठा सके, चीजें सीख सके। क्योंकि इस प्लेलिस्ट पे जीसी स्क्वायर मेंटरशिप पे आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह से आपका डेली एक्टिविटी होना चाहिए वो वीडियोस देखने को मिलेंगे, किस तरह से आपका स्टडी मेथड्स इंप्रूव होगा, कैसे कैसे आपको चीजें करनी वो सब मैं सिखाऊंगा आपको जीसी स्क्वायर मेंटरशिप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो सेशन एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज इंप्रूव योरसेल्फ एंड इंप्रूव योर स्टडी मेथड। Thank you so much.